सर तुम्हारा मेडिकल डेट क्या था? मेरा मेडिकल डेट था सर 3 नवंबर को। 3 नवंबर को था, अच्छा जी सर। तो सुबह एंट्री कितने बजे तुम्हारी हुई वहाँ पर? एंट्री ऐसे हो जाती है सर 6:30 बजे तक लग जाओ लाइन में हो जाती है इंटरव्यू का। अच्छा, 7:30 बजे तक एंट्री करा देते हैं हम लोग। जी जी। एंट्री के समय क्या डॉक्यूमेंट वगैरह? डॉक्यूमेंट आपकी एंट्री के समय तो अंदर बैठा लेते हैं, बाद में डॉक्यूफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट रिव्यू होता है, वेरिफिकेशन होता है। अच्छा। हाँ, उसमें अंदर जाके आपको अपने जो तुम्हारे उसमें फिजिकल में डॉक्यूमेंट्स लगे थे वही सारे तुम्हारे उसमें भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। बस जैसे अगर तुम्हारा फिजिकल जाने में किसी की करेक्शन बची हुई हो या तुम कोई ना ले जा पाए हो तो उन सबका भी उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है। फिर वो बाद में तुमको जिस पॉइंट पे उन्होंने दिया था, जैसे सर मेरा उसमें डोमिसाइल में और उसमें आय वाले में मेरा नाम जो था प्रशांत दुबे, उसने स्पेस नहीं दिया था दुबे के बाद, सीधे मतलब छोड़ दिए थे नाम, तो उसमें हमको एक पॉइंट गोला कर दिया था, वहीं जमा कर ली थी फोटोकॉपी और बाद में फिर मुझसे मंगवाया था तो मैंने वही अपना करेक्शन करवा के वो दे दिया, तो वो फिर मेरा डन हो गया था। अच्छा, तुम रिजल्ट जब एग्जाम देने गए थे उस टाइम भी जमा नहीं किए थे क्या? नहीं, उस बार मेरे जमा तो कर लिए थे फोटो कॉपी, वो नहीं बोल रहे हैं। उसमें उन्होंने हाँ फिजिकल के टाइम नहीं बोल रहे हम, फिजिकल के टाइम जो तुमको पॉइंट दिए थे तो रिटर्न एग्जाम देने गए थे उस टाइम भी जमा कर सकते? नहीं, रिटर्न टाइम में तुम मतलब उन्होंने मना किया था कि रिटर्न टाइम में कोई डॉक्यूमेंट नहीं लाने, वो आप लोगों को मेडिकल में लाने हैं। अच्छा, बोले थे मेडिकल में ना। हाँ, रिटर्न के टाइम किसी के डॉक्यूमेंट नहीं जमा हुए थे, जो जो कोई ले भी गया था उनके भी नहीं जमा हुए। समझ गया, मेडिकल में हुआ था। जी जी। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो तुम्हारा नहीं था, वो ये सबमिट करा सकते हो मतलब? हाँ, वहीं पे वो लोग लिखे रहते हैं जैसे जिसमें पॉइंट देते हैं, वो अगर तुम ले जाओ तो वो सब हटा के तुम्हारा वही डॉक्यूमेंट पूरा क्लियर कर देते हैं, कंप्यूटर में चला देते हैं बस। फिर जमा होती है डॉक्यूमेंट या सिर्फ ओरिजिनल देख के? ओरिजिनल देखते हैं, देखिए जो ये मार्कशीट होती है स्कूल और इंटर की, वो देखते हैं, और तुम्हें फिर कोई चीज ओरिजिनल नहीं जमा करनी होती अपनी फोटो। नहीं, ओरिजिनल जमा नहीं कर रहे, फोटो कॉपी वही दोबारा जमा होती है। फोटो तो होनी चाहिए, 2-3 फोटो लगती हैं फार्म में, वही करके स्लिप मार के पंच लगा के रख लेते हैं वो लोग, बस डन हो जाता है तुम्हारा। तो ये फर्स्ट दिन क्या हुआ, यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ? फर्स्ट दिन में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और ब्लड टेस्ट हुआ था सर, और यूरिन टेस्ट भी हो गया था और मेरा एक्सरे भी हो गया था। अच्छा, तीनों ये कंप्लीट हो गए, यूरिन, ब्लड टेस्ट और ये एक्सरे? हाँ जी सर, ये तीनों कंप्लीट हो गए। हाँ, पहले सेकेंड डे फिर बुलाया तुम्हें? सेकेंड डे में फिर वही एंट्री हुई थी 7 बजे तक। अच्छा। फिर वहाँ पे जाके अगले दिन सर मुझे मतलब सबसे पहले तो मेरा हुआ था आँखों वाला। अच्छा, आई टेस्ट? हाँ नहीं, आई से पहले मेरा पहले कान का वैक्स देखा गया था। अच्छा, वैक्स? हाँ, वेरी। हाँ, वहीं पे अपने बैठालते हैं सब लोगों को लाइन में, मेरा 34 लड़कों का ग्रुप था सर। अच्छा अच्छा। हाँ, ग्रुप थे तो सारे एक ही डॉक्टर एक ही ग्रुप का सब कंप्लीट करता है। तुम्हारे बैच में कितने थे मतलब उस टाइम जिस 3 नवंबर को, कितने लड़के थे? एंट्री तो 81 लड़कों को हुई थी सर। अच्छा अच्छा, 81 लड़कों। 81 लड़कों की हुई थी जिसमें से ग्रुप बनाए थे अलग अलग, किसी ने 10 लड़कों का ग्रुप बनाया, किसी ने 34 लड़कों का, ऐसे ग्रुप बन गए जितने डॉक्टर थे वही हिसाब से। अच्छा, डॉक्टर के हिसाब से। हाँ, तो ये सेकेंड दिन तुम्हारा ये वैक्स वाला हुआ कान में जो कर? हाँ, कान वाला देखा था उसने सारा, मतलब ये समझ लीजिए आपको दिखना नहीं चाहिए, वो लोग देखते हैं लेंथ से और पर्दे वर्दे नहीं मतलब वैसा होना चाहिए, जिसका होता है प्रॉब्लम उसको रिमेडिकल का क्लियर हो जाता है, रिमेडिकल वो लोग खुद अपने से साफ करवाते हैं अपने उसमें ले जाके। जैसे डीमापुर में भी है रिमेडिकल वाला जो सर्जन होता है, और एक तो वहीं पे जहाँ ग्राउंड में होता है वहीं पे अंदर भी अस्पताल, अगर वहाँ से जो चीज़ सही हो जाती है तो वहीं पे क्लियर कराने की कोशिश करते हैं, नहीं तो डीमापुर ले जाएंगे। हाँ, डीमापुर। अच्छा, तो तुम्हारा ये तो सब क्लियर था? हाँ, कान मेरा सही था, मैं तो सर कानपुर से अपने स्पेशलिस्ट से सारा साफ करवा के गया था, मैंने पर्दा अर्दा भी देख लिया था वहाँ, पर्दे अर्दे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे। जाना ही चाहिए मेडिकल देने जा रहे हो तो अपना सब कुछ फिट होके जाओ, कोई पॉइंट ना हो, थोड़ा सा पॉइंट है तो अपने माइंड के ऊपर वो सारा छाड़ दे तो दिक्कत हो जाएगी उन लोग। हाँ बिल्कुल, होती है अपने से फिट होके जाओ। हाँ, फिर सर सेकेंड दिन ये होने के बाद फिर उसमें आँखों का असर हुआ था। अच्छा, आँखों का कलर रीजन और मतलब वैसा जो डिस्टेंस वाला होता है ना 6 मीटर या 10 मीटर डिस्टेंस जो करवाते हैं। हाँ, 6x6 वाला। हाँ, उसका हुआ था, उसमें भी सर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी ये समझ लीजिए कलर रीजन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैं पास बैठाल के कॉपी होती है उनके पास एक बुक, उसे में नंबर होते हैं वो पढ़वाते हैं, फिर उसके बाद जो लड़का थोड़ा जिसे बोलने में एजिटेशन होता है फिर उससे 5-5 सेंटेंस बुलवाते हैं, जैसे किसी का भी निबंध दे दे गाय का। मेरे बैच में थे 1-2 लड़के तो मैंने उनका कराते हुए देखा था। और एक होती है क्या नाम, सांप सीढ़ी के तरीके, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट।
उसमें वही कलर के होते हैं सारे मिक्स, अच्छा वही जहाँ पे स्टार्ट करो उसी लाइन में रहना चाहिए, जिसको थोड़ा कलर प्रॉब्लम होती है वो नहीं कर पाता है वो। अच्छा, जिसका कलर विजन हो तो इसमें पकड़ा जाता है। हाँ, इसमें भी सर री मेडिकल देते हैं, डायरेक्ट आउट नहीं करते हैं। हाँ, री मेडिकल तो हर चीज में देते हैं, डायरेक्ट आउट नहीं, डायरेक्ट किसी में आउट नहीं करेंगे, तुम री मेडिकल देने के बाद ही आउट करेंगे। हाँ, फिर आंखों वाला जो सेट पॉइंट होता है उसे देखा जाता है, अंदर तुम्हारे तिलिल नहीं होना चाहिए पलकों में। हाँ, और मतलब आंखें छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, और मतलब बराबर होनी चाहिए, उंगली से इधर करते हैं उंगली, वो देखो बिना गर्दन घुमाए घूमनी चाहिए चारों तरफ। इसका करने के बाद फिर आंखों वाला कम्प्लीट हो गया, फिर सर ग्राउंड में सारे लड़के घेरा मतलब करके राउंड बनवा के खड़े कराए जाते हैं। फिर उसमें उनको मतलब सारा उनका हर चीज चेक किया जाता है, जैसे पैर के पंजा घुमा के देखे जाते हैं, एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज दोनों है? दोनों घुमाए जाते हैं, और हाथों की जो ये मुट्ठी होती है कलाई, हाँ, उनकी बंद इसको घुमा के देखा, उंगली सारी ऐसे चलवाई जाती है, मतलब कोई उंगली ऐसी ना हो जो घूमे ना। अच्छा, उंगली, हाँ उंगली उंगली सब करवा के फिर तुम्हारी गर्दन घुमाई, मतलब गर्दन देखते हैं नेक वाला पूरा घुमा के चारों तरफ एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज, ये सब घुमा के हाथ हाथ के सब, मतलब जिसमें जिसके नहीं वो सिलाईला वाला दाग होता है, हाँ हाँ, उसके हाँ। लिए तुरंत वो एक्सरा या अल्ट्रासाउंड बोल देते हैं उसके लिए। अच्छा, जो हाथ जिसकी टेढ़ी हो, हाँ, जैसे नहीं होती है निकली हुई होती है। हाँ, और जो ये होती है जैसे ये होती है अपनी कलाई पूरी देखे जाते हैं हाथ, उसमें भी एंगल नहीं, मतलब एंगल ज्यादा बाहर का ना बनना चाहिए, मतलब एंगल से बहुत ज्यादा बनती है, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा निकली हुई होती है। और फिर ये फ्लैट फ्लैट पैर, मतलब जिनको उनको शक होता है किसके फ्लैट है उसको चलवा के देखते हैं, वैसे तो वैसे ही देख लेते हैं पैर करवा के, ऊपर एक हाथ से ऊपर करके पैर पकड़ लो तो भी लोग ऊपर से देख लेते हैं, मतलब सबसे नहीं करवाया जाता कि चलो निशान पूरा छपना चाहिए, बहुत से लोगों को लोग ऐसे देख ले जिनको उनको लगता है डाउट होता है उनको फिर चलवा के देखते हैं, अगर पूरा छप जाता है तो इसमें सर सीधे आउट हो जाता है लड़का। अच्छा, फ्लैट फिट वाला में, फ्लैट फिट में री मेडिकल नहीं मिलता है। अच्छा, री मेडिकल नहीं मिलता इसमें। हाँ, क्योंकि एक दो लड़के सिर्फ एक ही दो हुए थे माई बैच में 34 में। अच्छा, ये नौकनी वाली, नौकनी वाली, नौकनी वाली सर इसमें नौकनी में मतलब पैर नहीं जुड़ने चाहिए, सीधे खड़े करवा के देखते हैं, घुटना नहीं जुड़ने चाहिए ऐसा नहीं। हाँ, फिर ये होने के बाद सर फिर नेक्स्ट दिन में सर ये सब हुआ, क्या नाम अंदर वाले पार्ट देखे गए, दांत 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 आंत भी उसी दिन हो गया था जिस दिन आंखों आंखों वाला हुआ था। अच्छा, हमें 22 पॉइंट मिले थे दांत के, 22 ही पॉइंट सबसे अच्छा होता है दांतों का। अच्छा, है ना? अच्छा, ये प्राइवेट पार्ट तो नेक्स्ट दिन हुआ, उसी दिन हुआ? नहीं, उसी दिन नेक्स्ट दिन हुआ था, नेक्स्ट दिन हुआ था ना। तो ये प्राइवेट पार्ट तो पूरा विधिवत होती है, इस तरह होती है मेडिकल में। पड़ गई थी संडे की, पहले दिन तो संडे को बंद ही रहता था। अच्छा अच्छा, संडे को बंद ही रहता था, उसके बाद नेक्स्ट और ये छुट्टी पड़ गई थी गुरु नानक जी बता रहे थे। हाँ, उसमें मंडे वाले दिन दांत वाला तो दूसरे दिन होता है, वो वाला सॉरी प्राइवेट पार्ट। अच्छा, ये क्लियर करने तुमको पॉइंट कुछ नहीं मिला ना अभी? मैं ग्राउंड फिट हुआ। अच्छा अच्छा, ग्राउंड फिट हुए तुम? लड़के थे जिनको री मेडिकल मिला था, चार लड़के ग्राउंड फिट हुए थे, 10 लड़के आउट कर दिए गए थे, उसमें था कलर रीजन, उसको दोबारा भी देख लीजिए थे, उसका बिल्कुल ही देखा था। ये एयरफोन लगाए हुआ नहीं, एयरफोन लगा लग रहा है, एयरफोन लगाए तो आवाज़ शुरू आ रही है, आवाज अभी भी आ रही है? हाँ, सही आ रही है, सही आ रही है, आवाज सलो आ रही थी, समझ में नहीं आ रही। तो ये क्या रहा, तुमको री मेडिकल कुछ भी नहीं पॉइंट मिला तुमको? नहीं सर, हमको कोई भी पॉइंट नहीं मिला था। तो तुम फिट होते हैं? रिजल्ट कब आया तुम्हारा, ये मतलब प्रोसेस होने के बाद? इसका रिजल्ट सर फिर अगले दिन बुलाया गया, तो सुबह से शाम तक बैठना बहुत पड़ता है, बैठे रहे, फिर शाम को एक अलग से डॉक्टर आए जो फिट या अनफिट लिखते हैं, वो थे एक सर, वो आए थे, फिर उन्होंने सब लड़कों को जो अनफिट हो रहा था उसको अनफिट अनफिट के वो पकड़ के फोटो खींच रहे थे। अच्छा, पकड़ा के, और फिट वाले लड़कों का अलग नाम बुलाया जाता था, तो गए थे सब लोग। अच्छा, तो तुम मेडिकल वालों को स्लिप मिल जाती थी, री मेडिकल की टाइम मिल दिया जाता था, इतने दिन में तुम्हारा यहाँ यहाँ हो जाएगा, कहाँ जाना सब लिख देते थे उसी स्लिप में। अच्छा अच्छा, उसी स्लिप में लिख देंगे ना। तो कितने लड़के तुम्हारे बैच में, कितने मतलब बैच जिस टाइम तुम्हारा एंट्री हुई थी उस टाइम कितने टोटल लड़कों का पास हुए थे, हरी मेडिकल कितना मिला मालूम है अप्रोक्स कुछ? सर मुझे अपना स्ट्रोक्स अपना मतलब अपना पता है, जो मेरा ग्रुप था मेरे 34 लड़कों का था। अच्छा अच्छा, उसमें सिर्फ 4 लड़कों को ग्राउंड फिट किया था, हमें उन्हीं के बारे में नॉलेज है, री मेडिकल वालों के फ्री में घर में आ गया था सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ 4 लोगों को फिट किए थे। हाँ, मेडिकल मतलब ग्राउंड फिट 4 लड़के हुए थे और री मेडिकल मिला था 20 लड़कों, उनका सबका पॉइंट था सर, जिनका पॉइंट नहीं होता उनका आराम से हो जाता है,
कोई जैसे उसमें 10 लड़कों जो 20 लड़के थे उनमें 10 लड़के तो कम से कम ऐसे थे जिनका कान वैक्स की प्रॉब्लम थी, वो अपने कान का वो साफ नहीं करा गया था। और उसमें से 2-3-4 लोग ऐसे थे जिनके दांतों में डाउट था, उनको जो कैप वैप लगवा लेते हैं उनके वहां से सब बटवा के दांतों का पॉइंट गिना जाता है उसमें थे। और कुछ लड़के ऐसे थे जिनके मतलब उसमें मिल गया था मतलब अल्ट्रासाउंड का पॉइंट डाउट होता है ना किसी के, जैसे वो नहीं लगवाया जाता जब कोई चोट लग जाती है तो वो देखा जाता है, देखा जाता है वो टाके वाला सिस्टम। हाँ हाँ समझ उसके अंदर फिर देख लेते उसमें मिलेगा ना, उसमें भी अधिकतर लड़के फिट हो जाएंगे। अच्छा ये करें, और ये तुम्हारा टेस्ट होने ही होगा, ये हाइपर वाला पसंद है हाथ में। हाँ उसमें सर उसका तभी होता है जब वो ग्राउंड में खड़े करके उलवाते हैं लड़कों को, उस टाइम जब वो पल्स होती है। पल्स वाला भी हुआ था सर, मैं 2-3 पॉइंट भूल गया, आई एम सॉरी। पल्स वाला भी हुआ था, उसके बाद जो बीपी, हाँ बीपी भी हुआ था। बीपी में ये समझ लीजिए 120 से लेके 130 के बीच, मतलब ज्यादा ना हो 120 140 तक ले लेते थे। नहीं सर मेरे में 130 वाले से ऊपर वालों को भी मेडिकल लिख देते थे, 130 के ऊपर वाले। अच्छा हाँ, तो वो मेडिकल लेयर बता रहे थे 140 जिसके भी ऊपर एबव हो रहे उनको भी मेडिकल दे रहे थे। अरे तुम्हारे में हो गए 31 ऊपर हो गए ना। हाँ सर ठीक है सर, फिर मैं थोड़ा बुला रहे हैं। हाँ